नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चल रही हूँ, एक अच्छी सी रेसिपी आप सबको बनाकर दिखाती हूँ। तो चल रही हूँ मैं घर पे। नहीं ना दिखाओ, आओ सब लोग। तो हम सब घर पे चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं घर पे आ चुकी हूँ, और कल वाले वीडियो में मैं जो आप सबसे बताई थी बात, इस बात से लेकर मतलब ये बहुत हमारे भैया दीदी बोले हैं, संगीता जी ऐसे बातों को ध्यान में मत लाइए, मन में मत लाइए। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, इंस्टाग्राम से लेकर और यहाँ मेल तक करते हैं, ऐसा बात बोलते हैं, फिर उसके बाद में कमेंट भी करते हैं इसी रिलेटिव। आजकल यही कमेंट आ रहा दोस्तों, तो इसीलिए मैं ये बात बोलना पड़ा। और आप सबने उस वीडियो में ढेर सारा प्यार आशीर्वाद अपना दिए, और आपने बहुत सारा मतलब इस बात समझाए, और हमें भी मेरे भी मन में थोड़ा तसल्ली मिली। सच बता रही हूँ दोस्तों, ये सब बात सुन सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं, जो इंसान अपना नहीं सही से कुछ कर पाएगा और दूसरे के लिए वो क्या करेगा। तो पहले मैं यही जानती हूँ कि थोड़ा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, उसके बाद में मैं दूसरों के लिए ज़रूर करूँगी दोस्तों, ये वादा है मेरा, कभी भी मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन आप सब इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, तभी कर पाऊँगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं खुद अपना नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। तो यही सब बात है दोस्तों, और मैं आज बहुत अच्छी रेसिपी बनाई हूँ। आप सब लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखना प्लीज़। और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, मैं यही कहूँगी। और मैं आज बैक कैमरे से, सामने वाले कैमरे से बना रही हूँ ये क्लिप, तो शायद बहुत बड़ा आता होगा ये चेहरा, तो आप सब भी समझ सकते हैं। और चंदन है नहीं इस समय, तो पूरा वीडियो मैं शूट कर ली हूँ, ये अंत में ये मैं बैठकर बनाई हूँ वीडियो दोस्तों। तो आप सब पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों ये हरा मिर्चा ले ली हूँ और केला, तो चलती हूँ आप सबको एक नई रेसिपी बनाकर दिखाते हैं। और तो दोस्तों ये बेसन है, तो पहले केले को काट लेते हैं। तो केले को इसी तरह काटेंगे दोस्तों, इसी तरह केले को काट के रख देते हैं। हमारी पूछती हैं आप गैस पर खाना क्यों नहीं बनाकर दिखाती हो, तो दोस्तों उसका रीजन है, मैं कल वाले वीडियो में आप सबको बताऊंगी। यहाँ मैं काट के रख देती हूँ। तो दोस्तों मिर्चे में चीरा लगा लेते हैं, और नजदीक से दिखा दो। तो ये देखिए दोस्तों, मिर्चे में चीरा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर, और ये दोस्तों छोटा वाला मिर्चा है, बड़ा साइज का जो आता है वो नहीं है। तो दोस्तों चल रही हूँ, कढ़ाई में रिफाइन का तेल डाल देते हैं। मामा मौसी को नमस्ते। मामा मौसी के बहुत कराने का, और मामा मौसी के नानी चाय करता। तो जो मैं केला काट के रखी थी उसमें थोड़ा सा हल्का बेसन लगा देंगे। तो ये देखिए बेसन मैं लगा रही हूँ, तो हल्का सा बेसन लगाएंगे। तो बेसन को मिला दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और साथ में डालेंगे इसमें मसाला, तो वही मिक्स मसाला है जो हर दिन मैं बनाती हूँ दोस्तों, वही है। और इसको मिला लेती हूँ, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, पानी का छींटा डाल देते हैं, थोड़ा सा और बेसन मिलाएंगे। और अंजलि, तो हल्का सा बेसन मिलाएंगे दोस्तों, ये देखिए बहुत कम। तो दोस्तों मिर्ची को इस साइड रख दिए हैं, और इसमें मैं बेसन मिला लेती हूँ, इसमें भी नमक मसाला मिला देते हैं। तो थोड़ा सा नमक इसमें भी मिला देते हैं,
और फिर मिलाएंगे मसाला। तो दोस्तों ये मसाला नमक मिला चुकी हूँ मिक्स मसाला, अब चलती हूँ इसमें पानी मिलाकर घोल बना लेती हूँ। तो ये देखिए घोल बन चुका है, मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए और चलती हूँ केले को, ये जो मैं रखी हूँ डालती हूँ कढ़ाई में। तो दोस्तों ये डाल देते हैं, तो इसी तरह और तेज आंच में इसको पका रहे हैं दोस्तों, धीमी आंच में नहीं पका रहे हैं, बिल्कुल तेल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए केले को इसी तरह डाल देते हैं और ये बेसन, तो बेसन बहुत हल्का सा लगा है दोस्तों, वैसे बहुत कम, तो बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, चाय के साथ खाओ या वैसे खाओ, तो ये बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों जो मैं केले पर हल्का बेसन लगाई थी, तो ये देखिए पूरा केले में चिपक चुका है, ये ऐसा बात नहीं है कि बेसन ये निकलेगा केले से, बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं अभी अब सबको बनाकर दिखाती हूँ और इसको चलाते रहना है बीच बीच में। तो अंजलि आज क्या बन रहा है? मेरे पकौड़ी के केरा, मेरे पकौड़ी का केरा बन रहा है ना? अच्छा, तो दोस्तों कल आज सच में दोस्तों आज मैं अंजलि के लिए मिर्चे की पकौड़ी बना रही हूँ। हर दिन अंजलि को मिर्चे से परेशानी था, लेकिन आज मैं मिर्चे की पकौड़ी बिल्कुल बन रहा है। खाना है शीतल गुंजन? नहीं खाना है, किसी को नहीं खाना है, खाना मिर्चे की पकौड़ी खाना है शीतल खाएगी। अच्छा, इनको भी खाना है। तो दोस्तों मैं इसको छन्नी के सहायता से निकाल रही हूँ थाली में, ये देखिए। और अभी मैं चलती हूँ मिर्चे की, मिर्चे को फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों मिर्चे को फ्राई कर लेते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों मिर्चे को डाल देती हूँ, तो ये देखिए, तो ये मिर्चे की पकौड़ी भी कह सकते हैं, और पकौड़ी के साथ ये केले के चिप्स के साथ खाने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब इसको निकाल लेते हैं। और तो दोस्तों वैसे ये ठंडा हो गया था, और पहले जब तलोगे फिर बाद में, अब इसको मैं डाल देती हूँ दोबारा तलने के लिए, तो थोड़ा ये कड़क हो जाएगा। तो दोस्तों चूल्हा जलाने के लिए ये फूंका, इसको फूंक लगाना पड़ता है तब चूल्हा जलता है, फिर बुत जाता है, फिर जलता है। तो इस बरसात के मौसम में चूल्हा जलाना बहुत कठिन है दोस्तों। और दोस्तों आज चंदन के पापा काम पे चले गए अभी थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे एक दो घंटा का काम मिल जाता है तो करने के लिए चले जाते हैं। तो उनको पूरे मतलब 150 रुपये 100 और 50 रुपये मिलेंगे दोस्तों, ये 3 घंटे के काम के लिए। बिल्कुल कुरकुरा हो गया है दोबारा तलने से। तो आप सब भी अगर बनाना है इस तरह का बेसन वाला चिप्स केले का, तो आप सब एक बार फ्राई करके तेज आंच में निकाल लेना, फिर उसके बाद में फिर इसको 2-3 मिनट के बाद में फिर 4-6 मिनट के लिए तेल में फ्राई कर लेना। तो ये देखिए मैं अब निकाल लेती हूँ तेल से, और बिल्कुल ये फ्राई हो गया है, तो कुछ इस तरह आवाज आ रहा है देखिए दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए ये मिर्चे की और केले की चिप्स बेसन मसाला का बनके तैयार हो गया है, तो बहुत अच्छा बनता है, आप सब भी बनाना के लिए, मतलब अंजलि के लिए ही बनाई हूँ मिर्चे की पकौड़ी। तो सभी लोग अभी खाएंगे, तो देखते हैं मिर्ची की पकौड़ी कौन कौन खाता है कौन नहीं खाता है। तो दोस्तों सभी लोग कटोरी लेकर तैयार हो गए हैं खाने के लिए, तो सबको मैं दे देती हूँ। तो आज बहुत कम मिलेगा खाने को, और कम ही बना था दोस्तों, थोड़ा ही बना पाई। मामा मौसी अगर खा लीजिए, मामा मौसी खा लीजिए।
तो चंदन ट्राईपोर्ट पे मोबाइल लगाकर वैसे चले आए हैं। तो कैसा बना है चंदन? अच्छा बना है। तो सच में दोस्तों ये केले वाला बहुत अच्छा बनता है, आप सब भी बनाना। तो आप सबको ये रेसिपी, तो दोस्तों ये केले की रेसिपी कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। दोस्तों थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। बस आप सबका ही सहारा और आप सबका ही भरोसा है। तो वैसे मैं बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी, और बस आप सबका सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है। तो वैसे हर दिन में मैं नहीं बोलती दोस्तों, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, तो लेकिन कोई बात नहीं है, बस आप सबका कृपा आशीर्वाद इतना ही मिलता रहेगा तो मेरे लिए बहुत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हाय।